नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने ड्रुपल 7 में मीनूज के बारे में, कि किस टाइप के मीनूज ड्रुपल 7 प्रोवाइड कराता है। उसके लिए हम जाएंगे अपने स्ट्रक्चर में, मीनूज के अंदर। ये देखिए, ड्रुपल 7 जो चार टाइप की मीनूज प्रोवाइड कराता है, वो मेन मीनू, मैनेजमेंट, नेविगेशन, यूज़र मेनू। तो दोस्तों, अगर आपको कोई और अपना मेनू ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से अपना ऐड कर सकते हैं। वो भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। फ़िलहाल अपने इस जो चार टाइप के जो हमारे पास मेनू हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो मेन मेनू जो हमारा होता है, उसको अगर हमें जाना है तो आप लिस्ट लिंक्स पर क्लिक कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये जो मेन मेन्यू के अंदर जो अपने लिस्ट जो हमने क्रिएट की थी, जो हमने पेजेस बनाए थे, जो हमने मेन्यू प्रोवाइड कराए थे, वो सब लिस्ट यहाँ पर आपकी आएगी। आप यहाँ से इसकी ऑर्डरिंग सेट कर सकते हैं। जैसे आपका प्रोजेक्ट या फिर न्यू कॉन्टैक्ट आप नीचे रखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट आप अबाउट अस के बाद रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप सेव कर दें। रीलोड करते हैं, देखिए चेंज हो गया, होम, अबाउट अस, प्रोजेक्ट, कॉन्टैक्ट अस, न्यू कॉन्टैक्ट अस। तो अब जो अपना ऑर्डर आप मेनू पर आप सेट करना चाहते हैं तो आप वो सेट कर सकते हैं। अभी ये पेज रीलोड हो रहा है कुछ, वैसे वो सेव हो चुका है। अगर सेव ना होता तो ये इसकी ऑर्डरिंग ना चेंज होती। और दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं इनेबल, ये चेकबॉक्स पर, तो जिन जिन पे चेकबॉक्स क्लिक है वो मेनू आपके इनेबल हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप कोई जो हमारा मेनू है वो आप डिसेबल कर दें ताकि वो शो ना हो, बट डिलीट ना करें। आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उस मेनू को नहीं दिखाना है। तो आप जैसे कॉन्टैक्टर्स के दो पेज हैं, हम चाहते हैं कि ये कॉन्टैक्टर्स मेनू में शो ना हो यहाँ पर, तो इसके लिए क्या आप ये अनचेक कीजिए, इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया डिसेबल, तो ये मेन्यू अब आपके प्रोजेक्ट में कॉल नहीं होगा, ना ही कहीं शो होगा। ये देखिए चला गया वो मेन्यू, स्ट्रक्चर मेन्यू। तो ये मेन्यू लिस्ट थी, मेन मेन्यू के आपकी जो लिस्ट थी ये इसके बारे में था। मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये मैनेजमेंट मेन्यू है जो कि आपके जो ये एडमिनिस्ट्रेटर के जो ये जो ऊपर ये मेनू जो आपके ब्लैक रो में ये दिखाई दे रहा है, ये मेनू है। इसके लिस्ट में जाके देखते हैं, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर अबाउट अस, कंटेंट, जिस टाइप से ये मेनू सेट है, जिस ऑर्डर में सेट है, ये इसी टाइप से हैं। दोस्तों, ये ड्रुपल 7 का अपना मतलब सेट किया हुआ मेनू है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं आपके अपने हिसाब से, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप इसको चेंज ना करें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वही है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई अपना जो आपने यूज़र क्रिएट किया है उसके लिए आपको मेनू सेट करना है, तो उसमें आप अपना ऑर्डर सेट कर सकते हैं, और जो आपको मेनू आपको दिखाने हैं, वो जो आपको चीज़ें देनी हैं उसको, वो आप यहाँ से अनचेक करके या इनेबल करके उसको चेक कर सेव करके उस यूज़र को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये इस तरीके का मैनेजमेंट का मेनू है पूरा। नेविगेशन की बात करते हैं, तो अपनी साइट में हमने एक नेविगेशन का ये जो ब्लॉक था, ये एडिट मेनू, तो ये एक नेविगेशन मेनू है। इसके अंदर ही मेनू लिस्ट में ऐड कंटेंट है, लिस्ट में चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐड कंटेंट के अंदर इसके सब चाइल्ड में आर्टिकल है, बेसिक पेज है, ब्लॉक है, वेब फॉर्म है, बाकी ये कुछ मेनू यहाँ पर डिसेबल्स हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस टाइप का एरो है कि जो कि दर्शा रहा है कि यहाँ पर इसके सब चाइल्ड या फिर हैं, लेकिन ये यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके सब चाइल्ड भी यहाँ पर शो करें, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर मेनू नेविगेशन, आप यहाँ पर जाएँ एडिट में,
जो इसका पेरेंट्स है, पेरेंट्स मेनू पे। उसमें आप ये देखिए, यहाँ पर इस वो मेनू का आपको अगर टाइटल आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से उसका टाइटल चेंज सकते हैं। जो आपको पाथ जो आपके मेनू में है वो आपका पाथ यहाँ सेट होगा, इनेबल है। आप चाहते हैं कि सो एज ए एक्सपेंडेड, तो जिसके अंदर जो भी सब चाइल्ड हैं उसके वो दिखाई देंगे। यहाँ पर सेव कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, सब चाइल्ड इसके आ गए। अगर आपको इसकी भी रीऑर्डरिंग चेंज करना है या सब चाइल्ड का भी कोई सब चाइल्ड आपको बनाना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर में जाएं, नेविगेशन लिस्ट में। अब आर्टिकल, अगर आपका बेसिक पेज के अंदर जाना चाहिए, आप करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सेव कर दीजिए। तो जैसा चाहे आप, जिसको पेरेंट्स बनाना चाहते हैं आप पेरेंट्स बना सकते हैं, जिसको चाइल्ड बनाना चाहें आप चाइल्ड बना सकते हैं। ये देखिए चेंज हो गया यहाँ पर, लेकिन फिर वही कि यहाँ पर ये इसके अंदर सो तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो आप इसको भी वही लिस्ट में जाइए, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एडिट, इसको भी आपको यहाँ पर सो एज एक्सपेंडेड करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे तो ये इसके अंदर के जो सब चाइल्ड थे वो भी आ गए। एक और मेनू हमारा बचा है, यूज़र मेनू, इसको भी देख लेते हैं। यूज़र मेनू लिस्ट, ये यूज़र मेनू लॉग्ड इन यूज़र ओनली। अगर यूज़र लॉग इन है तो उसको ये माई अकाउंट दिखेगा और लॉग आउट दिखेगा, जो कि ये चीज़ है। ये दो मेनू लिस्ट हमारे यूज़र मेनू में है वो था। दोस्तों ये था कि हमारे Drupal की वेबसाइट में किस टाइप के मेनू होते हैं वो था। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने मेनू के बारे में और पढ़ेंगे, एक नया अपना मेनू अपनी वेबसाइट पे ऐड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।